एक बात से घबराता हूँ बस, कबर से घबराता, कबर कबर जो है ना, कबर इंसान का किरदार बताती है। कबर इंसान का किरदार होता है, किरदार बताती है। कबरें जो होती है ना, जब आदमी अंदर जाता है, कबर हम लोग देर कर देते हैं, हमने हमेशा देर की। उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे, वो आज अपने मद्दाहों से बिछड़ चुके हैं। एक बरस पहले उनकी जवान साला बेटी भी, उनकी जवान साला बेटी का भी इंतकाल हो गया था और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिली थी। आज वो अपनी बेटी से जा मिली, अपने खालिक हकीकी से जा मिली। कब्र का खौफ हमेशा उनके दिल में रहा, अल्लाह से डरने की तलकीन करते रहे और सब्र का पैगाम देते रहे। देखना चाहते हैं, चला दीजिए वीडियो, चला दीजिए वीडियो। एक बात से घबराता हूँ बस, कबर से घबराता, कबर कबर जो है ना, कबर इंसान का किरदार बताती है। कबर इंसान का किरदार होता है, किरदार बताती है। कबरें जो होती है ना, जब आदमी अंदर जाता है, कबर किरदार बताती है। वो फिर पसलियां पसलियों में घुस जाती हैं, जबान बोल नहीं पाती, आदमी जवाब नहीं दे पाता। वो लम्हा ऐसा खतरनाक लम्हा है दुनिया का, हर इंसान के लिए जिंदा है और जैसे मर रहा है, गुजर रहा है उसको, जो गुजर रहा है। तो खबर जो है ना, वो इंसान के अमाल बताती है। अब मैं गिर गया, कबर में इंसान जाता है जब, मट्टी से बने हैं, मट्टी से बने हैं, मट्टी में मिल जाए, इन्हीं ख्यालात के साथ ये मेरी वो जिंदगी है जो लोगों को नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो मैं ये बताना, मैं आप बता रहा हूँ कि जो नजर आ रहा है उसे वैसे ना सब, बिल्कुल बहुत हूँ, बिल्कुल ठीक, चटोरू देखो, हाँ, हाँ, बात करो, व्यापार करो, रिश्ता करो, सही ताल्लुक बनाओ, तो तुम्हें पता चल जाएगा आदमी का वो क्या है। आपकी बड़ी महदूद इन्फॉर्मेशन होती है जिसपे आप राय कायम कर लेते, बस बिल्कुल ठीक। हमें तो कोई कान में क्या मान जाते, मुझे आप कहते क्या हाल सुनावा दिल का कोई महरम रहा। जी मैं इस वक्त अपने जज्बात पर बहुत काबू पाकर बैठा हूँ, लेकिन हुकूमत की अदम दिलचस्पी से इस वक्त तमाम मद्दाहों के दिल टूट गए और अब ताजियत के रस्मी जुमलों की अदायगी हो रही है। कब तक आप ताजियत के रस्मी जुमलों की जुगाली करते रहेंगे, कब तक ये जुगाली, आखिर कब तक? तबारक वताला अपने महबूब की औलाद और आल अलैहिस्सलाम के सदके उमर शरीफ साहब को बख्श दे और उमर शरीफ साहब के अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। उनकी अहलिया ज़रीन गज़ल साहिबा और उनकी दूसरी बीवियां हैं और जाहिर है कि उनकी औलाद भी है, अल्लाह तबारक व तआला उनको सब्र जमील की दौलत से माला माल फरमाए। आज का पैगाम, आज की वीडियो आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली लेटेस्ट अपडेट से महफूज हो सके। दीजिए अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त। दाढ़ी बड़ी प्यारी रखी है, ऐसा लगता मुंह पे तुमने कोई छोटा सा ताला लगा रखा है। तुमने ये क्या तमाशा लगा रखा है, हमें तुमने क्या पागल बना रखा है। हर आदमी तेरे गुण गाता है, हर आदमी तेरी कवाली गाता है, इंडिया वाले भी तेरी कवाली को चुराते हैं और बना के कवाली करोड़ों रुपया कमाते हैं। आज जब मशीन पे वजन वाली जाते हैं, अंदर से मशवरे आते हैं कि कार्ड आते हैं।